हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे तुलसी से जहरीली चीज़ अगर आपके काट लें तो उसको ठीक करने का कितना अच्छा, आसान और सरल इलाज। फ्रेंड्स, जल्दी में ऐसा होता है कि घबरा जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। मान लो किसी सांप ने काट लिया या किसी बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू के काटने पर तुलसी के पत्तों का रस उस स्थान पर लगाने से आराम मिल जाता है। तुलसी का रस शरीर पर मलकर सोए मच्छरों से छुटकारा मिलेगा। मलेरिया मच्छर का दुश्मन है, तुलसी का रस बहुत अच्छा फायदा देता है। तुलसी के बीज खाने से विशेष बीमारियों को आप भगा सकते हैं। आपके अगर किसी जहरीली चीज ने काटा है तो तुलसी के बीज खाने से उसके विष का असर भी नहीं होगा। उसके बीज खाइए और उसका विष का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुलसी के पत्ते अफीम के साथ खरल करके, मतलब कि उसको बिल्कुल बारीक पीस के चूहे के काटे स्थान पर लगाने से उसका जहर नहीं चढ़ता। फ्रेंड्स, मान लो आप नीचे सो रहे हैं या बेड पर सो रहे हैं, कभी याद ऐसा होता है कि चूहा काट लेता है आपके हाथ में या पैर में, तो तुलसी को अफीम के साथ पीसिए और बिल्कुल जरा सा सा जितनी आप तुलसी के पत्ते लें उससे आधी मात्रा में अफीम होनी चाहिए और फिर उसको जहाँ चूहे ने काटा है उस जगह लगा लें। उसका जहर वो अफीम और तुलसी के पत्ते खींच लेंगे और आपको जहर नहीं चढ़ेगा। तुलसी की वजह से आप सांप के विष से भी बच सकते हैं। अगर सांप के काटे हुए पीड़ित लोग हैं तो इसका जल्दी से तुलसी को इस्तेमाल करें और उसका इलाज करें। यदि समय पर तुलसी का सेवन कराया जाए तो उसकी जान बच सकती है। जिस स्थान पर काटा हो उस पर तुलसी की जड़ से मक्खन या घी में घिसकर उसकी जान बचा सकते हैं। जैसे जैसे जहर खिंचता चला जाता है इस लेप का रंग सफ़ेद काला हो जाता है। काली परत को हटाकर फिर ताज़ा लेप कर देना चाहिए, इससे उसका जहर जल्दी से खिंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितने फ़ायदे की चीज़ है जो हमें नहीं पता। किसी के साथ ऐसा हो तो प्लीज़ आप उसे सलाह ज़रूर दे दें, उसे बता दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, अगर हमें अच्छी अच्छी बातें पता हैं तो प्लीज़ इसको छुपाइए मत, गर्व के साथ दूसरे को बताइए। इससे किसी का भला होगा तो आपको दुआ मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।